तो मैं वापस आ गया एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ, लेट्स प्ले। तो ये है हमारा घर आई थिंक। हाँ जी, हाँ ये जी का घर है, ये उसके चारों दोस्त, चश्मा वाला माइक, ये लेफ्ट, सॉरी हाँ लेफ्ट वाला ये चार्ली, और ये जे के राइट में साइड में खड़ी है वो लिस है। ये देखो चार्ली। एक्चुअल में सीन हुआ क्या था मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको पता नहीं हो तो। तो ये आइसक्रीम वाले अंकल क्या करता है, बच्चों को एक स्पेशल तरीके की आइसक्रीम खिला के मोटा करता है और उन बच्चों को उठा के लेके जाता है। तो उसमें हुआ क्या, इसने चार्ली को उठाया, लिस को उठाया, माइक उसको बचाने के लिए गन लेके गया और माइक को भी उठा के लेके गया, इसने देख लिया। तो इसने उस आइसक्रीम को फॉर्मूला बना के खुद खा के मोटा होके उसके पास चला गया ताकि वो भी उसको किडनैप कर सके और उनको छुड़ा के ले आ सके। वाह बेटा जी, क्या दिमाग लगाया। और इसकी माता श्री अभी पुलिस को फोन लगा रही है। Lately, I've been hearing a strange ice cream man's melody. हाँ, उसी आइसक्रीम मैन ने उड़ा है हम लोगों को, मोहल्ले के चारों बच्चों को उड़ा के लेके गया, ये उठा के लेके गया। और हम सिक्योरिटी रूम के अंदर हैं और ये आइसक्रीम मैन ने देख लिया, तो वो अब रोड छोड़ेगा नहीं, दरवाजा तोड़ रहा है, वो किसी भी मिनट दरवाजा तोड़ सकता है। तो अभी मैं जे बन चुका हूँ, अब यहाँ से हमें भागना पड़ेगा। दरवाजे तो खोल नहीं सकते वरना वो आइसक्रीम वाला बंदा ठोक देगा। इधर क्रोबार इंटरेक्ट करने के लिए दिख रहा है और ये भाई मेरे को कंट्रोल मतलब समझाओ, बार बार कंट्रोल समझाते, गेम इंस्टॉल करने के एक बाद एक ही बार समझाओ वो बहुत है। ये सोफे को हटाओ, लो जी सोफा हट गया, ये लिड को खोलो। हाँ लिड खुल गई, अब यहाँ से कूद के भाग जाओ। Liz, Mike, Charlie, I think I found a way out. Come this way, quick. Jay, where are you going? The ladies go first. इसको पहले भागने की जल्दी पड़ी है। Well, I finally have you all. इसका पचका हो गया। आए? Now, भाग गए। They escaped again. गुस्सा हो रहा है। इसके फैक्ट्री के अंदर हम भाग रहे हैं इससे बच के। इसने पिंजरे में बंद करके रखा था लेकिन इसने कुछ करके सिक्योरिटी रूम में घुस गया, बोरिस को नीचे गिरा के और फिर उनके जो केजी से उनको खोल दिया था। इसको हमें किसी आइसक्रीम की रेसिपी में डालना था और इसने अभी एक क्या बटन दबाया, लॉकडाउन। एक मिनट, वो औरत कौन थी? गैराज के दरवाजे के बाहर कुछ औरत थी ना, कोई औरत। अरे भाई जरा कसरत कर ले। हाँ उसने एक्टिवेट कर दिया। Fortunately, I found this lying around a while ago and अरे नक्शा मिल गया इसको। A great idea. From the looks of it, there are three generators supplying power to Okay, तो तीन जनरेटर सिस्टम्स हैं। मतलब तीन जनरेटर है जो सिक्योरिटी सिस्टम्स को पावर देते हैं। हमें कुछ भी करके उन तीनों जनरेटर्स को डिसेबल करना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा ताकि वो सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाए, सारे डोर्स अनलॉक हो और हम वहां से भाग सके। पहले वाला जो मस्त दिखता था, ये अभी इतना कुछ खास दिखता नहीं है। चलो, माइक इतना मोटा नहीं था, बस लिस और ये आई थिंक मोटे थे, चार्ली। तो अभी मेरे को सबसे पहले मैप में लोकेशन मार्क करनी पड़ेगी। चलो जोसेफ्स कॉटेज पे चलते हैं। तो अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। चलो अब दरवाजे तो बंद है, यहाँ से बाहर कैसे जाएं? ऊपर से जा सकता हूँ क्या? लो ये भी डोर लॉक है। गैराज का कोई दरवाजा, गैराज के बाहर औरत कौन थी भाई? वो वैसे पहले कोई तो था ना, कोई आदमी औरत मैंने इतना तो नहीं देखा, शायद औरत होगी, औरत ही होगी। क्या हुआ? वेट अ सेकंड, इविल नन। अबे ये सिस्टर मैडलिन इधर क्या कर रही है? रोड इसका बेटा है, देख लिया
ugly creature like you can't be my baby. हाँ नहीं उतरा बेटा, ये पागल औरत पीछे पड़ गई। नहीं और नजरात से वरदान ले तेरी, ऐसी की तैसी तेरे को फ्रीज करूं मैं। इधर आ, ये ले, लो कर दिया इसको फ्रीज। दरवाजा खोलो, इधर आ जाओ। कॉटेज के अंदर तू घुस गया। लो ये रहा सामने जनरेटर। The generator is located inside a cottage to the north of the factory. अच्छा मतलब माइक गया, ASAP, माइक अकेला गया उधर कॉटेज के अंदर जनरेटर ढूंढने के लिए, और ये बाकी के सारे लोग उसी जनरेटर की लोकेशन पे जमा हो गए। ये देखो बाद में सब लोग जमा हो गए। अबे उसका इतिहास बताना बंद कर, इसके हाथ में पैसे पहले अंडा ले लो। अब सोच रहे होगे अंडे का क्या फंडा है, अंडे को क्या मैं उस नंद के मुंह पे फेंक के मारूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में इसके अंदर क्या है, एक ऑफिस है जिसका हमें डोर खोलना है ताकि हम गाड़ी से वहाँ से एस्केप कर सके। तो सबसे पहले इस अंडे का फंडा दिखाता हूँ। यहाँ ना एक नदी है, जो नदी दिख रहा है ना, इसके अंदर एक मगरमच्छ है, और वो मगरमच्छ क्या करेगा, हमको आके ठोकेगा। ये देखो आ गया, आ गया, पीछे हटो। अगर हम किनारे के ज़्यादा करीब गए तो ये हमको मार सकता है, और एक ही हिट में मार देगा वो हमें, वो एक ही हिट में ख़त्म कर देगा। लगा इसको, ये देखो आ रहा है, आ रहा है, भागो भागो। अगर किनारे के पास आए ना तो ये मार देगा हमको। मैं ईविल नन से डर रहा हूँ, ईविल नन यहाँ आसपास आ ना जाए। ये रहा दरवाज़ा, ये देखो ये रही की, जिससे ये जो सामने एक डोर है वो खुलेगा, और वो डोर खुलने के बाद हम वहाँ से भाग तो नहीं सकते, लेकिन एक जनरेटर बर्बाद करने के लिए वहाँ पर जा सकते। जनरेटर को बर्बाद करना पड़ेगा तो उसका एनर्जी सिस्टम बंद करना पड़ेगा। इस वॉशरूम में क्या किस्मत है, पहले वॉशरूम खोला और उसी वॉशरूम के अंदर अंडा मिल गया। ये रहा दूसरा अंडा, ये लेन से ज़रा बच बच के चलना पड़ेगा, वरना वो हथौड़ा मेरे मुंह पे दे मारेगी। मगरमच्छ नहीं है, जल्दी से लगाओ, भागो। अब तीसरा अंडा ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पता नहीं कहाँ पर गई वो नन, उसको बेहोश कर दिया था उधर। एक मिनट तो होके चला भी गया। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ही कहीं पर होगा वो अंडा। इधर तो नहीं है, हाँ मिल गया, मिल गया, चलो। अरे उठा ले, अरे भाई क्या क्रॉस है रे भाई, हाँ उठा लिया, चलो। अभी संडे को भी उधर लगा देते हैं, मतलब उसका क्रोकोडाइल का नेस्ट है उसके अंदर अंडे। मेरे को नहीं मालूम था क्रोकोडाइल अंडे देता है। ये देखो किनारे के पास गया तो मेरे को खा जाएगा। इधर आ, अबे उधर नहीं, इधर आ, रुक इसके ऐसे कैसे, इधर आ, इधर आ, हाँ मैं इधर हूँ, आ इधर आ, चलो। अब इस अंडे को इधर लगाओ, इधर रखो इसके नेस्ट में, और दुम दबा के भाग जाओ। अब वो क्रोकोडाइल वहाँ नदी के अंदर नहीं तैरेगा, ताकि वो हम अब हमको खाएगा नहीं। अब वो उसी अंडों के पास खड़ा रहेगा, अब वो पास भी नहीं आएगा हमारे। ये देखो इस ऊपर, ये देखो सामने लकड़ी दिख रही है, उस लकड़ी के ऊपर एक चाबी लटकी हुई है, उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। अब बस डर इस बात का है कि पीछे से नन आके धप्पा ना कर दे। अरे जल्दी खुल जा, जल्दी मिल जा, चाबी मिल गई, कितना टाइम लगाया भाई। नन इधर ही कहीं पर घूम रही होगी उससे बच के। किस्मत वैसे अच्छी है, ज़्यादा पकड़ने के लिए नहीं आई। दरवाजा पहले बंद करो और इस चाबी को लगाओ। चलो ये दरवाज़ा खुल गया, लेकिन यहाँ से हम नहीं जा सकते, हमें एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, वरना जंगली जानवर और वो मिनी रोड्स हमको मार सकते। ये लो मैं इधर आ गया, वापस आ गया। जे कहाँ पर है, आए? ये इविल नन को किसने ठोक दिया भाई, मगरमच्छ ने कुछ किया क्या? स्नाइपर राइफल इधर की गायब हो चुकी है।
ये इविल नन को कौन मारा? वो तो 60 सेकंड्स के लिए सो गई है। यहाँ से कोई रास्ता? वो देखो, ये देखो पड़ी है इधर, और ये रहा जे गन, इधर दे, तू भाग इधर से। ये वो गन लेके इधर आ गया और वो नन का जरा एक बार हाल चेक करूँ। वो देखो नन को क्या मारा है उसने, पट्टे से हेडशॉट। हैमर किधर है इसका? मुझे ने इसका गेम बजा दिया, अब यहाँ से निकलो। क्रोकोडाइल तो वैसे कुछ करेगा नहीं, उसको अंडे दे दिए, वो अभी उधर मिल गया, अभी वो उधर चुपचाप बैठा रहेगा। अब यहाँ से चलो, लो अभी यहाँ पर क्या करना है, वैन को हमें बाहर निकालना है, उसके लिए गैराज का डोर खोलना है, और उसके लिए ये ऊपर का लॉकिंग सिस्टम हमें खोलना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं आएगा, सीधा गन से ठोकना पड़ेगा। ई एल ए बेटा गोली, लो जी। एक्चुअल में कॉटेज में गया था, कॉटेज में पता नहीं क्या हो गया भाई, कॉटेज में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अबे तेरे ये क्या, ये किसकी आवाज़ थी भाई? इविल नन, आ जा बेटा, ये ले। गई भाई, ये कहाँ से प्रकट हो गई शुक्र है मेरे हाथ में गन थी, वरना ये मेरा खेल ख़त्म कर दी थी। आके देख लो इसकी एक बार, इतनी लाल हो गई। खैर अभी मेरे को इस गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा। Charlie, get in position. Roger that. Come on. तो गाड़ी जरा ढंग से लेके चल, गाड़ी ढंग से चला माइक। लो चार्ली, बैठ जा भाई गाड़ी के ऊपर। गाड़ी के ऊपर आइसक्रीम वाली गन कौन फिट किया? और ये रोड की वैन इतनी खराब क्यों है भाई? नई वैन खरीद लेता, वो पुरानी टूटी फूटी वैन चला रहा है वो बंदा। अब हमें यहाँ पर टावर को फोड़ना पड़ेगा, ये हमारी गन है। चला भाई चला, जरा जल्दी चला, गाड़ी को जरा रेस दे भाई। लो जी पहुंच गए। Charlie, use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. मिनी रोड, फ्रीज हो जा बे, तू भी आ रहा है, निकल। मेरे लास्ट के पॉइंट्स बचे हैं, इसको भी फोड़ो। Use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. चलो टावर उसका तोड़ दिया। तो माइक ने तो इधर का जोसेफ कॉटेज वाला ये डोर बंद कर दिया, जनरेटर बंद कर दिया। अब हमें मतलब चार्ली को ये लेबोरेटरी का ये जो जनरेटर है उसे बंद करना पड़ेगा। चलो भाई दरवाजा खोलो। मम्मी नहीं, ये बाहर क्या कर रही है, मर गए, भागो। अबे नन के बच्ची इधर क्यों आई है तू? भागो भागो, बाप रे तो सामने से आ रही है, निकल लो। आजा आजा, किधर से आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निकल लो इधर से। वो अपना गोल 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 घूमते रहेगी मुझे तो यहाँ ऊपर चढ़ना है, तो ये नन तो मेरा कुछ उखाड़ेगा नहीं, फैक्ट्री के अंदर ये नन कुछ नहीं करेगी, फैक्ट्री के अंदर नहीं आती है, वैसे आ भी नहीं सकती भाई सारे दरवाजे बंद करके रखे उस रोड के बच्चे ने। इस रोबोट की कहानी मैं बताता हूँ क्या हुआ है, होता है चार्ली जो है इसी के अंदर फंसा हुआ होता है, मतलब इसी के पास इसी जगह पे फंसा हुआ होता है। तब वो चार्ली क्या करता है, इसके पास चाबी होती है दरवाजे की, वो इसके आइसक्रीम के अंदर गलत गलत चीज़ें मिला के आइसक्रीम ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से इसका सिस्टम बाद पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। ये देख लो मिनी रोड्स, ये यहाँ पर आइसक्रीम बनाते हैं। चलो भैया इधर कुछ है क्या वैसे? अबे तेरी, मैं वो अबे तेरी नहीं, अबे ये कहाँ से आ गया साला, इधर इधर कब आ गया भाई, प्रकट हो गया, भागो।
वो अपना चक्कर खा के रह गया मिनी रोड। चचा जाने दो चचा। अबे ये तो चीटिंग है, ऊपर से चढ़ के आ गया। नहीं भाई भागो, मेरे को यहाँ से ऊपर चढ़ना है। उम्मीद है पीछे छोड़ देगा। भागो। अबे तेरी, बच गया वरना रोबोट पकड़ लेते हैं भाई ये। हाँ ये रहा हमारा दूसरा जनरेटर। मैं यहाँ पर पहुंच गया, ये भी इधर आ गई, ये कुछ बड़बड़ा रही है। तेरी पहली बात कंप्लीट कर ले, और ये रेसिपी, इस रेसिपी का क्या करोगे? जे की मदद मांग रहा है। वैसे जे गया कहाँ पे? उम्मीद है उसको वो आइसक्रीम वाला वो रोड पकड़ना लिए उसको। अच्छा मेरे को उस इस बोतल के बारे में बताना है। सिलेंड्रिकल बोतल है भैया, और उसका ढक्कन पूरा प्लेन है। ये दूसरी बोतल के बारे में बता रहा हूँ मैं उसको, पिंक वाली, पिंक सॉल्यूशन वाली। 8 लिखा हुआ है। चलो आ गया भैया, दे दे बोतल दे। अब ये बोतल तू ले। क्या बड़बड़ा रही है भाई, क्या शुश शुश कर रही है? तेरे को दुई ना बोतल। चलो यहाँ से बाहर निकलो। खैर अब हमें दूसरी बोतल ढूंढनी पड़ेगी नीचे से। चलो यहाँ से कहाँ पर इलेक्ट्रोगन, चलो इसका भी यूज़ कर ही लेते हैं। नहीं रोड को सुलाने के लिए नहीं, इधर एक ताला है उसको खोलने के लिए। अबे इसकी ऐसी की तैसी, तू पहले अपना सायरन बजा ले। किधर है वो अलमारी? हाँ ये रही वो अलमारी, खोलो इसको। दरवाज़ा खोलो, इसे भी उठाओ। अबे तेरी ये कहाँ, ये क्या हुआ भाई? ये क्या वाइब्रेशन वाला इफेक्ट डाल के रखा है? वो देखो भाग के आ रहा है। हाँ इधर आ। हैं वो रोबोट क्यों गोल गोल में घूम रहा है? मैं तो उसके पास गया भी नहीं, वो उसको वो खुद को शॉक मार रहा है। अबे तेरी हट जा। नहीं शुक्र है वो ऊपर चढ़ के आया नहीं, वरना मेरे को बजा देता अभी। ये बीच में क्या कर रहे हैं छोटे छोटे मिनी रोड्स? लो मैं वापस आ गया। ये मिल गया, ये उठाएगा? नहीं ये नहीं उठाएगा, पहले वो लिस वाला मेरे को मिशन करना पड़ेगा लगता है। इसको फेंको इधर। हाँ तुम तीनों तो इधर बकबकी करो, सब कुछ तो मुझे ही लाना पड़ रहा है। चार्ली के ऊपर डाल दिया। अबे तेरी ये बाहर खड़ा है, अंदर घुसो अंदर घुसो। बच गया साला, एंड टाइम पे अंदर घुस गया, वरना मेरे को धो देता। ये गन किधर है मेरी? गन दे दे साला। इसके अंदर एमो नहीं है, एडवर्टीजमेंट चाहिए। नहीं है मेरे पास एडवर्टीजमेंट देखने का टाइम। इसमें भी एमो नहीं है। वाह मिक्सिंग स्ट्रेंज लिक्विड्स इन क्लास बिफोर। मैं अपना दूसरा ही वो कॉइल ढूंढने आ गया, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है। बोतल का क्या है, नीचे कहीं पर पड़ी मिल जाएगी वो अलमारी के ऊपर वगैरह। इसके अंदर कॉइल नहीं है। एक्चुअली में माइक को एक कॉइल चाहिए होती है। वेट अ सेकेंड, फुटस्टेप आ रहे हैं क्या? फुटस्टेप आ रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है। अबे ये क्या साला देख लिया इसने, वेंड से आ रहा है महाराज। वो महाराज जी वेंड के अंदर से आ रहे हैं। इसकी ऐसी की तैसी, इधर आ। मेरे पास एक केक है, ये केक इसको खिलाना पड़ेगा। इधर आ चचा, इधर हूँ मैं, आ जाओ। गया। अब ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करेगा ये थोड़ी देर के लिए। गन में एमो तो है नहीं। चलो मिल गए मेरे को कॉइल। अब ये कॉइल इसको देनी पड़ेगी माइक को। पहले लिस को ही बोतल लानी पड़ेगी। रुको ये लिस की वहाँ लिस वाली बोतल लेके आता हूँ मैं। चलो बोतल तो मिल गई। क्या रोबोट है उधर ही खड़ा है, उधर ही खड़ी है ये रोबोट, लेकिन मुंह पे आइसक्रीम थूक रही है। नहीं अपने मालिक की आइसक्रीम बर्बाद करने का यही तरीका होता है भाई। पैर नहीं है तो आइसक्रीम मेरे मुँह पर थूक रही है।
चलो चलो ये बोतल अभी लिस को देनी है। आई मर गया। नहीं अबे छोड़ दे मेरे को छोड़। अरे मेरे को बंद नहीं किया। अच्छा हुआ मैं भाग सकता हूँ। चलो भाग सकता हूँ। हाँ मेरे पास दो स्टेमिना है, दो चांस मिलते हैं। मतलब पहले चांस में तो ये छोड़ देगा, पकड़ के हम इससे बच सकते हैं। दूसरे में ये हमको पकड़ के सीधा फ्रिज के अंदर बंद करेगा। चलो अब यहाँ से ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ले तेरी बोतल। इसकी कॉइल किधर है? ले भाई तेरी ये कॉइल ले। ये दूसरा कंट्रोलर भी दे दो इसको। कंट्रोल उठ जा। ये ले तेरा कंट्रोलर भी ले। चलो ये जनरेटर को हैक करने का पूरा सिस्टम रेडी है। I don't know who was able to build so much robotic engineering. तुम तीनों आपस में बकबक करना बंद करो यार। इनके तीनों में आपस में बकबक चल रही है। मैं अपना गेम स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो लास्ट बस क्यों बचा है? लो हो गया। और इसी तरह से आखिरी जनरेटर ऑफ, सॉरी आखिरी नहीं, इसके बाद अभी एक और जनरेटर बचा है म्यूजियम के अंदर का। चलो अब लिस की बारी आखिरी जनरेटर को बंद करने की, मतलब उसको ढूंढने की जिम्मेदारी अब लिस की है। गन में कोई एमओ एमओ मिलेगी मेरे को? नहीं भाई, इतने सारे गन है लेकिन एक गन में एमओ नहीं है। वाह नहीं भाई, गन में कुछ एमओ एमओ डाल देते यार। अब इस आइसक्रीम वाले से तो कम से कम बच जाऊंगा मैं। यहाँ से चुपचाप निकल लो सुमड़ी में। बस वो देखना ले, बस वो देखना ले, इस बात का डर है मेरे को। चचा इधर आसपास ना हो। चचा अपने, अबे तेरी इसकी ऐसी की तैसी, ये कहाँ से आ गया साला? बीच में क्या कर रहे हो तुम? ये दूसरा, अबे मम्मी भागो। अबे ये क्या है? सारा दरवाजे के उस पर ये खड़ा था। अच्छा पकड़ा नहीं। बाप रे साला भागो। क्या दरवाजे के उस पार स्वैग में खड़ा था ये? भागो, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ से चला। अबे निकाल नहीं इधर से। चलो मैं म्यूजियम की वेंट के अंदर आ गया। और अभी अबे उसको क्यों असेंबल कर रहे हो? अबे तेरी टांग से क्या होगा? मर गया, इसका एनर्जी रिस्टोर हो गई। इसको जे ने फ्लोर से नीचे फिकवा दिया था, ये जहाँ पे खड़ा था सिक्योरिटी सिस्टम। अबे ये मेरे पीछे पड़ गया, ये मेरे को एक हिट में मार देगा। चलो अच्छा, यहाँ पर वो शायद से आइसक्रीम वाला अंकल नहीं आएंगे, लेकिन ये पीछा ज़रूर करेगा। हाँ बस एक चीज़ की एडवांटेज आई, ये बेचारे के पास पैर नहीं है। इसकी कहानी मैं बताता हूँ। जे ने क्या किया था, सिक्योरिटी रूम के अंदर घुसने के लिए उसने इसको उल्लू बनाया था। उसके सामने का फ्लोर थोड़ा क्रैक था तो उसको पूरा फोड़ के उसके ऊपर कपड़ा लपेट के, मतलब कपड़ा डाल के उसको उकसाया कि हाँ मेरे को मार, और ये बैल की तरह मारने आया और गड्ढे में गिर गया। इसलिए इसके पूरे पार्ट जो है टूट गए होंगे और उन मिनी रोड्स ने इसको रिपेयर कर दिया। हाँ लेकिन ये पीछा तो नहीं छोड़ेगा, ये हमारे पीछे ज़रूर आएगा। बस ये सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ सकता, रूम छोटी छोटी रूम्स के अंदर नहीं घुस सकता। बाकी एक मुक्के में ज़रूर मार देगा ये। इधर क्या है? अरे तीसरा जनरेटर मिल गया, वाह। I finally found the generator. It's on the factory's gift shop. But be careful with a big scary robot on your way here. Rid of it. अभी ये जनरेटर मैं बोरिस के हाथों ही फुड़वाऊंगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक कार्डबोर्ड वाला पुतला मिलेगा। अभी इसकी भैंस की, वो देखो आ रहा है, सामने से आ रहा है। ये क्या वापिस इधर से आ रहा है भाई? क्या कर रहा है? तेरा प्रॉब्लम क्या है साला? मेरे को भागने भी नहीं दे रहा, क्या बंदा है बे ये? हाँ ये दरवाजा पूरा क्रॉस करके नहीं आ सकता, ऐसे छोटी दरवाजों के अंदर मैं बच जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ से आएंगे। इधर आ, मेरे पीछा।
अरे ये इस तरफ आ ही नहीं रहा, वो देखो उस तरफ ही आ रहा है। क्या चल रहा है बे? इस कचरे के ढेर में कुछ मिलेगा क्या? अरे मास्क मिल गया, चलो अच्छी बात है। अब वो रोड मेरे को कुछ, मतलब बोरिस मेरे को कुछ नहीं करेगा। चलो सबसे पहले हमें जो है, ये क्या, इसके पीठ में दो दो मिनी रोड घुसाए हुए हैं साला। इसके अंदर रोड के, ये मतलब बोरिस के अंदर रोड घुसाए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले पुतला मिल गया। अब बाकी के सारे लोकेशंस को जो है मार्क कर लेते हैं ताकि मेरे को ढूंढने में आसानी हो। चलो ये मास्क पहन के मैंने सारी लोकेशंस ढूंढ लिया। मेरे को जो जो चीज़ चाहिए, मास्क को फेंको क्योंकि मैं ये उठा नहीं सकता। मास्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। बोरिस अभी आता ही होगा, वो मेरे को छोड़ेगा नहीं। वो देखो आ रहा है सामने से। हाँ लेकिन वो दरवाजे आ बेहतरी, ये साला वो तो नहीं आ सकता, लेकिन ये मिनी रोड ज़रूर दिमाग ख़राब करेंगे। ये एक मुक्के में मेरा काम तमाम कर डालेगा। अब इस साइड जाऊंगा तो उस तरफ से आएगा। वाह, रोड में क्या बुद्धि है। रोड नहीं, सॉरी, ये उसका नहीं, बाकियों का मेन रोड है, इसका अकेले का नाम बोरिस है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखो, अबे मेरे को जाने दे यार। ये देखो इस साइड गया तो ये यहाँ से ये कुछ कर रहा है। ये फिर से जग गया। तुम्हार तुम्हार अबे बंद हो, बंद हो साला, मेरे को वापस से झटका दे दिया। वाह बस बहुत हुआ, मैं ये मास्क उठा के, सॉरी मास्क नहीं, बोर्ड उठा के यहाँ से भाग रहा हूँ सीधा। घुसो अंदर, चलो इसको यहाँ पर प्लेस करो। जनरेटर के सामने क्यों प्लेस किया है मैं बताऊंगा बाद में। इस गन में भी एमो नहीं है, वैसे इस एमो का करूंगा क्या, उसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इस एमो से। अगर मैंने उसके ऊपर एमो चलाई, पहले मास्क पहन लो। चलो अब कुछ नहीं करेगा ये। हाँ लेकिन मैं मास्क पहन के तो सारी चीज़ें नहीं ला सकता ना। क्या यार, हटो बे। वो देखो इधर ही बैठा है और मैं इसको ले भी नहीं सकता। अगर लेने गया तो ये मेरे को मार देगा। वेट करते हैं इसके यहाँ से भागने का। तो मैं उसको म्यूजियम के अंदर घुसा के, मतलब फंसा के यहाँ पर आ गया। इसको पहले उठाओ। अबे ये वापिस आ रहा है। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा मेरा बेटा, आ जा आ जा आ जा मेरा बच्चा। उसको मिनी रोड के पाँव लगा दिए। क्या बंदा है भाई, ये रोड के अंदर क्या कोई दिमाग विमाग नहीं है? इतने बड़े बोरिस के अंदर छोटे छोटे मिनी रोड्स के पाँव डाल रहा है। बेचारा चल भी नहीं पा रहा है, इसलिए हाथों के बल मेरा पीछा कर रहा है बेचारा। पहले इसको इधर लगाओ, ये जैक अभी चार्ज होगा। अब इसको चार्ज करने के लिए लीवर खींचना पड़ेगा। लीवर खींचने के लिए मुझे एक और बंदा लगेगा, और उसी बंदे के प्रोटेक्शन के लिए वो मास्क लेके आया है। मतलब उस बंदे को प्रोटेक्शन मिलेगी, वो बंदा अपना आराम से रोड का मास्क, मिनी रोड का मास्क पहन के आ जाएगा, और उस बोरिस से मुझे पंगे लेने पड़ेंगे। चल भाई चार्ली, आ जाए मेरे पीछे। अब इसको ये कुछ नहीं करेगा, इसने मास्क पहन लिया। ये वरना आने के लिए डर रहा था, ये आने के लिए डर रहा होता है। चल चल चल, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा बोरिस पीछा रहा है। अबे कहाँ भाग रहा है बे साले? मर गया वो बोरिस, साला सत्यानाशी, क्या कर रहा है मेरे पीछे। वो देखो वो अलग ही है नशे में। अबे तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पे चढ़ना है पागल आदमी वो। अबे तेरी नहीं, अबे नहीं नहीं नहीं, भागो 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 भागो, नहीं 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 नहीं, बच गया साला। ये बोरिस मेरे को छोड़ेगा नहीं, इसका एक मुक्का पड़ गया ना मैं इधर ही ढेर हो जाऊंगा अभी। आजा आजा बोरिस आजा। ये मैंने रोड स्पीड कम कर देते हैं मैं भागने की। अबे मोटे तेरे को मैं अपने पीछे बुलाया था, इसकी ऐसी की तैसी। पहले इसको चकमा देना पड़ेगा, पहले इसको चकमा देना पड़ेगा। आजा, वो देखो महाराज जी उधर से आ रहा है। इधर आ तू, इधर आ इधर आ, अभी यहाँ से निकलते। आजा 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 मोटे मेरे साथ चल, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत भागना। आजा आजा जल्दी भाग, वरना वो तोड़ देगा। चलो आ गया आखिरकार। अबे तेरी ऐसी की तैसी, ये कहाँ से आ गया।
चलो आ जा भाई, लीवर को डाउन कर दे। चलो हो गया अपना काम। अबे ये कौन लेके जाएगा? साला सारा काम एक अकेली लड़की के ऊपर डाल दिया। बोरिस से निपटे भी वो लड़की, ये इसको इधर मास्क इधर लाने के लिए मास्क दे वो भी लड़की, और ये इसको वापस उधर माइक के पास लेके जाने के लिए भी लड़की। वाह, वो बोरिस मेरा कीमाना बना दे। चलो मास्क तो इधर है, ये ले भाई माइक। अभी मेरे को बस आखिरी चीज़ चाहिए, वो है वो माइक्रोवेव गन। चलो अब ये इसको इसके पास देना पड़ेगा गन। ले ले भाई जे, अपनी गन ले। अब इस बोरिस को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। ओ बोरिस मेरे मंदबुद्धि टिनके डब्बे, वेयर आर यू? लो आ गया, आ जा, मैं अंदर घुस गया। And now. Hey, you ugly broken robot. Your face looks like a rusty frying pan and makes you want to cry. You're too weak to be a security guard. Even a kid like me can beat you. Boris, do ugly. इसको कहते हैं कुल्हाड़ी पे अपना सिर दे मारना। बोरिस भी गया और बोनस में अपना लॉक भी खुल गया, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो गया। लेट्स टाइम टू एस्केप। ये देखो बोरिस के पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखो उसका टीवी जनरेटर भी फट गया। ये देखो उसका मुंह। And we all managed to get out of here together. Great! This is like a dream. Am I dreaming, Mike? Ah, stop talking all the nonsense. I need to concentrate if we want to get home in one piece. Mike, how brave you are. Please, don't bother him. Hey, since we finally managed to get out, can you tell me what you wanted to tell me before? Well, I need to concentrate, Liz. Now's not a good time. Isn't this a good time for a hug? Ooh, or for a kiss? But what are you talking about? This van is stopping right now, and y'all can walk home! I prefer to walk, Mike. No, wait a minute, Liz. Maybe you're just understanding things the way that they're not. Look out for that tree, we'll hit it! Are you guys okay? It seems so. No, we really have to walk. What is going on? What? No, this is impossible. They have managed to deactivate the security system. Well, at least the rest of the chubby kids are still under control in the extraction room. Huh? The door to the extraction room has opened. It must have occurred when the security system was deactivated. Oh. Well, maybe I should pay this place a visit and close that door before the room gets distempered and my chubby kid pantry is spoiled.
तो हमने फाइनली रोड की फैक्ट्री से एस्केप कर लिया, लेकिन अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ है, तो अब इसका आगे वाला जब अपडेट आएगा तब देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।